के अनबॉक्सिंग में आपको शुक्र होगा। चलिए हमारे साथ विद द रेंज ऑफ 13 to 40,000। इस रेंज में हम एक फ़ोन लेना चाहते हैं, चाहे वो टेक्नो या इन्फिनिक्स में हो। तो इन दीज रेंजेस हम एक सेलेक्ट करेंगे और फिर आपको शो करेंगे कि हमने कौन सा फ़ोन लिया हुआ है और उसके फंक्शन क्या है। हम सब ये शो करेंगे, बाइक पर जाएंगे, बाइक को लेके हम जा रहे हैं मार्केट में। तो चलो चलते हैं। गाइज़ फाइनली हमने एक फ़ोन लिया जो मैंने आपको ब्लैक में भी दिखाया है। तो हमने जो हमारा जो रेंज था अराउंड 13,000 टू से लेकर 14,000 तक, इसमें जो इस रेंज में जो फ़ोन मिल रहे थे वो है इन्फिनिक्स और टेक्नो मिल रहे थे। तो हमने डिसीजन लिया कि हमने इन्फिनिक्स को चूज़ किया क्योंकि इसके बारे में मुझे पता था, क्योंकि मेरे पास खुद इन्फिनिक्स है। तो अबाउट द बैटरी, अबाउट साल फंक्शंस के बारे में मुझे पता था, लेकिन ये हमने चूज़ किया इन्फिनिक्स स्मार्ट HD जो लेटेस्ट फ़ोन आया हुआ है 2021। हमने इसलिए इसे चूज़ किया क्योंकि ये हमारे रेंज में भी आ रहा था, प्राइस रेंज में हमारा आ रहा था, तो इसलिए हमने इसको चूज़ किया। और दूसरी बात ये कि इसका जो शेप बनाया हुआ है और इसका जो बॉडी वो बहुत ज़बरदस्त बनाया हुआ है। इसका दूसरी बात ये कि इसका कलर, हमने जो कल इसमें चूज़ किया हुआ है ब्लू। और इन्फिनिक्स स्मार्ट HD 2021 लेटेस्ट फोन ऑफ इन्फिनिक्स, इसके जो मेमोरी है वो है 32 GB, इसमें मेमोरी है और 2 GB इसमें रैम लगाया हुआ है। और ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें एंड्रॉइड 10 और CPU जो इसमें इंस्टॉल किया हुआ है, आई थिंक क्वाड कोर इसमें CPU है। और इसका जो बैक एंड कैमरा 8 MP है और फ्रंट कैमरा सेल्फी कैमरा है 5 MP। और इसमें ख़ास बात ये कि इसमें जो स्पीकर लगाया हुआ है और बैक ऑफ द फ़ोन लगाया हुआ है, और इसी वजह से स्पीकर सिस्टम जो साउंड उस सिस्टम इसमें है और काफ़ी बेहतर बनाया हुआ है। इसने काफ़ी बेहतर डिज़ाइन की है स्पीकर की, जो बैक साइड ऑफ द फ़ोन लगाया हुआ है, और इससे साउंड में भी बेहतरी आई हुई है। गाइस आपको पता है कि आजकल सारे मोबाइल कंपनी एप्पल कंपनी को कॉपी करके उस तरह डिज़ाइन बना रही है iPhone 12 की तरह। इसके पीछे भी जो कैमरे है, फ्रंट बैक एंड कैमरा, बैक कैमरा, इसके तीन कैमरे इस इन्फिनिक्स फ़ोन में, लेकिन ये तीनों काम नहीं कर रहे, सिर्फ इसमें एक कैमरा काम कर रही है। ये वैसे ही तीनों लगाए हुए हैं इसमें, और मैंने बहुत सारे फ़ोन देखे हुए कि इसमें 4-5 तक कैमरे होते लेकिन एक भी काम नहीं कर रहे, वैसे लगाए हुए सिर्फ इसमें सिर्फ एक कैमरा चलता है। लेकिन ये पता नहीं इन्होंने इसको शेप दिया हुआ है और एप्पल को कॉपी कर रही है, पता नहीं ये क्यों कर रही है ऐसे कंपनियाँ। और ऑलमोस्ट अच्छा फ़ोन है, अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। मैं एक भाई ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मेरे लिए फ़ोन लेना, तो मैं उसके लिए फ़ोन ले रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ब्लॉग बनाऊँ
और इससे हमारा ब्लॉग भी हो जाएगा और आपके लिए फ़ोन भी लेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और हमने लॉट ऑफ एंजॉय किया। सो गाइस सी यू। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और ये दो बंदे मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा। और बार बार मुझे कहते हैं कि मुझे गेम प्ले करो, दोनों कह रहे हैं मुझसे फोन मांग रहे हो, कार्टून मांग रहे हैं कि कार्टून हमें प्ले करो, पर मेरा डेटा को खर्च करता है। ये दोनों दौड़ते हुए आ रहे हैं, ये दोनों मुझे, इन दोनों ने मुझे बहुत तंग कर दिया है। आप समझाए इन दोनों को ज़रा। हाँ क्या है? हमें गेम चिका। गेम कौन सा गेम? गेम मैम नहीं है, मेरा मोबाइल में चार्ज नहीं है। क्या आप दोनों मेरे साथ एक डील करो, एक एक गेम के लिए 50 रुपये और एक कार्टून देखने के लिए। कौन सा कार्टून? शिवा। शिवा कार्टून? चलो 10-10 रुपये दे दो मुझे, ठीक है? ठीक है। और गेम के लिए 50-50। दस सिर्फ दस दस दोनों का? सिर्फ 5 मिनट का ढूंढोगे? चलो 10 मिनट का, 5 मिनट तुम देखो, 5 मिनट ये देखेगा। और जब गेम खेलना चाहते हो तो उसके लिए 50-50 लाओ। जाओ अम्बी से 50-50 लाओ गेम खेलने के लिए। चलो वेरी पे गेम खेलने के लिए 5 मिनट गेम खेलने के लिए। कार रेस वाला गेम के कौन सा? क्रिकेट वाला? और ये क्या कह रहा है साइम? कार वाला? हाँ चलो उसके लिए 50-50 लाओ, भागो जल्दी लाओ।